will start with the quiz. So quiz contains 30 questions. सर कब है सर क्यों आज क्विज कंटेन्स 30 क्वेश्चंस ऑल आर ऑब्जेक्टिव है ना टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इज 30 सेकंड्स ठीक है सो प्ले द क्विज विद द गियर टर्मिनोलॉजी है ना ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गियर्स सो इन योर ब्राउजर है ना यू ओपन Join my quiz without any space. Joinmyquiz.com. Just type this thing in your browser. Then it will demand you a code, and I will provide you the code. Then you will be able to play the quiz. So, sab log open kar le. जीरो नाइन सेवन फोर जीरो सेवन दिस इज द कोड आपका नाम वगैरह पूछेगा तो नाम डाल दीजिएगा है ना और कोड डाल दीजिएगा देन यू विल बी एबल टू जॉइन विथ मी यस सगुन भारद्वाज मधुल अग्रवाल हैव जॉइंट विथ मी शिवम चौधरी आल्सो जॉइंट सतीश सिंह जॉइंट गुड सभी लोग ज्वाइन हो जाइए इसी तरह Yes, now you can see the joining code 097407 on your screen also. So 10 participants have joined. Join fast. It is a very interesting quiz. It will help you in the competitive exams also. And some preparation. है ना और खेलिए इस क्विज के मार्क्स से आपका कोई लेना देना नहीं है ना इट इज जस्ट टू गिव द आइडिया अबाउट द गियर टर्मिनोलॉजी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू गियर लाइक गियर डिजाइन टाइप्स ऑफ द गियर गियर क्लासिफिकेशन है ना एवरीथिंग सो जॉइन फास्ट किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ज्वाइन होने में नो सर ज्वाइन हुई है देखिए जो ज्वाइन हो चुके हैं मैं उनके नाम पढ़ देता हूं फिलहाल लेकिन फास्ट ज्वाइन हुई है बाकी लोग सौरभ विकास कुमार सागर सोनी रोहित कुमार अभिनव विकास गोला प्रिंस चौधरी दीपक निखिल शिवम चौधरी सतीश सिंह मधुल अग्रवाल इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं है ना मधुर शर्मा आल्सो ज्वाइंट आई विल वेट फॉर 1 मिनट मोर है ना Then I will start the quiz. Join fast. Yes, Tapan Char has joined. Joinmyquiz.com without any space. Type in browser. Put your name and insert the code 097407. Krishna Chauhan also joined. पार्टिसिपेंट्स तो बहुत है मेरे साथ अभिनव पचौरी अभिषेक चौहान बलराम अग्रवाल धर्मराज हरि कृष्णा योगी राज सब लोग ज्वाइन कर साइट ओपन नहीं हो रही सर मेरे से तो ज्वाइन माई क्विज विदाउट एनी स्पेस डालिए ब्राउजर में है ना कोई स्पेस मत दीजिएगा बीच में joinmyquiz.com सिंपली विदाउट एनी स्पेस joinmy ज्वाइन और माइक के बीच में कोई स्पेस नहीं है कुछ के बीच में कोई स्पेस नहीं है बस वो आपसे आपका नाम मांगेगा पुट योर नेम एंड इंसर्ट दिस कोड गेम कोड देन यू विल बी ज्वाइन विथ मी ज्वाइन होइए शुड आई वेट फॉर 30 सेकंड्स मोर और आई शुड स्टार्ट प्लीज ज्वाइन फास्ट
निखिल अग्रवाल आर यू लिसनिंग मी? निखिल अग्रवाल, रुवेद खान, शाहरुख खान, काफी लोग हैं, अर्पित लोहानी, ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स ज्वाइन फास्ट, उत्कर्ष गौड, विश्ववर्धन, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्विज, जल्दी से ज्वाइन हो लीजिए, और जिनको ज्वाइन होना हो 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में वेट कर सकता हूं, एल्स आई विल स्टार्ट। तो प्रिंस चौधरी, शुड आई स्टार्ट? यस सर, कर दीजिए सर। ओके ओके ओके, चलिए। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Last 10 seconds for this question. Hurry up, mark your answer. और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Last 10 seconds for this question. And now the next question is in front of your screen. Last 5 seconds, hurry up. Next question aapki screen par. Mohit Sharma, Satish Singh, Tapan Chahar first, second or third position par hain till now. All are playing well. 5 seconds remaining. Mark your answer. Next question aapki screen par. Last 5 seconds. और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तपन चहार सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं,
सभी अच्छा खेल रहे हैं। मोदित शर्मा फर्स्ट पोजीशन पर हैं। फाइव सेकेंड्स रिमेनिंग। वेरी गुड। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शिवम चौधरी, निखिल सभी अच्छा खेल रहे हैं। Five seconds remaining. Mark the answer immediately. और ये next question on your screen. There is no negative marking. Attempt all questions. Seconds remaining. Next question on your screen. Seconds remaining. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मुदित शर्मा फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं काफी समय से। तपन चहार सेकंड पोजीशन पर हैं। सतीश सिंह थर्ड पर हैं। मार्क आंसर फास्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ओ सतीश सिंह सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। वेरी गुड। ये रहा 12th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ओ सतीश सिंह फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। वेरी गुड। ऑल आर प्लेइंग वेल। जितनी जल्दी आप आंसर लगाएंगे उतने ज्यादा स्कोर होते हैं आपके, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन मार्क आंसर इमीडिएटली। टाइम इज ऑल्सो वैल्यूएबल। कम समय में आंसर लगाएंगे ज्यादा स्कोर मिलेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुदित शर्मा दोबारा से फर्स्ट पोजीशन पर। काफी फेर बदल हो रहे हैं। ऑल आर प्लेइंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन।
मदित शर्मा, सतीश सिंह, तपन चहार एंड सौरभ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली। और ये रहा 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाउ सौरभ गॉट थर्ड पोजीशन, वेरी नाइस। तपन चार अगेन ऑन सेकंड पोजीशन। Playing well. So 50% questions of the quiz completed, and after 15 questions, Madhis Sharma got first position, Tapan Chahar second, Saurabh third, Satish Singh fourth, respectively. So aadhi quiz puri ho chuki hai, aur ye raha 16th question aapki screen par. Next question on in front of your screen. Oh, Tapan Chahar got first position now. Mudit Sharma second. Saurabh third. मुदित शर्मा फिर से फर्स्ट पोजीशन पर। मुदित शर्मा और तपन चार में काफी चेंजेस हो रहे हैं, कभी वो फर्स्ट पर कभी वो फर्स्ट पर। वेरी नाइस। This is the 20th question of this quiz. Oh, Mridul Agrawal got third position. Very nice. और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मृदुल अग्रवाल फर्स्ट पोजीशन, सो नाइस, क्या बात है, मृदुल अग्रवाल फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं। नाइस एफर्ट, वेरी नाइस। So 20 questions of this quiz completed. Out of 30 questions, 20 questions completed. And the current score is Mudit Sharma on first, Tapan Chahar, Mridul Agrawal, Saurabh, Satish, all are playing well.
सो ये रहा 21st क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Next question in front of your screen. Tapan Chahar again on first position. Saurabh second. Satish Singh third. Madhus Sharma fourth. काफी फेर बदल हो रहे हैं। चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सो नाइस। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तपन चाहर फर्स्ट, सतीश सिंह सेकंड पोजीशन, ओ गुड। Now the 24th question in front of your screen. Tapan Chahar first, Satish Singh second, Madhus Sharma third, Mridul Agrawal fourth, Nikhil fifth. Very good. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Mark your answer. 2-3 seconds remaining only. Or next question in front of you. Nikhil third position par aa gaye, Rohit Kumar fourth position par. Many changes in the results after each and every question. Har question ke baad results change ho rahe hain. और ये रहा 27th क्वेश्चन। नाउ ओनली 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सतीश सिंह फर्स्ट पोजीशन पर आ गए दोबारा से। फर्स्ट पोजीशन पर सतीश सिंह, सेकंड तपन चार, थर्ड निखिल, फोर्थ रोहित, फिफ्थ कृष्णा चौहान, sixth Mridul Agrawal, seventh Shivam Chaudhary and eighth Mudit Sharma. All are playing well. Ruwet Khan 11th position par hai, Suryans Patel 10th par, Hari Krishna 13th par, Sagar Soni 14th par. Very good. All are playing well. Aur ye raha next question aapki screen par. Rohit Kumar, Tapan Chahar, Satish Singh. सतीश सिंह फर्स्ट पर हैं, तपन चार सेकंड, रोहित कुमार थर्ड,
ये रहा थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, थर्ड लास्ट, ओनली टू क्वेश्चंस रिमेनिंग आफ्टर दिस। कोड 297407 एंट्री करिए, मैं जरा वेट करता हूं। फास्ट, दो क्वेश्चंस रिमेनिंग है। यस, सो आई दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Second last question of the quiz. आपके सामने है इस वक्त 15 seconds remaining. सर दोबारा बताना सर कोड 097407। Yes. और अब केवल लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ना, लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइनल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Seconds remaining. Attempt fast. Satish Singh, Tapan Chahar, Nikhil, Rohit, Krishna. So the quiz is ended. Yeah. तपन चाहर सेकंड विनर, सतीश सिंह फर्स्ट, निखिल इज द थर्ड विनर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और देखिए आपका स्कोर बोर्ड आपके सामने है इस वक्त। तो अच्छा खेला है सभी ने, सतीश सिंह B39 21,740 इज द स्कोर, ग्रीन मार्क आर द करेक्ट आंसर्स। तपन चाहर 19,770 गुड स्कोर, निखिल 19,490, रोहित, कृष्णा, मृदुल, शिवम, उत्कर्ष, रुवैद खान, मुदित शर्मा, बहुत अच्छा खेला इन्होंने शुरू में है ना, बाद में थोड़ा सा इनका डाउन गया है बट बहुत अच्छी, बहुत काफी समय तक ये फर्स्ट पोजीशन पर थे। सौरभ ने अच्छा खेला है, हरे कृष्ण, शगुन भारद्वाज, सलमान जो है शायद शुरू में इनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहा है, उसके बाद इनके आंसर्स ठीक हैं। सागर, सोनी, दीपक, सौरभ, आई विल सेंड यू दिस स्कोर कार्ड ऑन ईमेल, है ना, आप सभी के पास मैं भेज दूंगा और एक क्विज भी भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वर देर एनी एरर्स, आई थिंक नो एरर। सो दीज आर द क्वेश्चंस। चलिए, तो कैसी लगी आपको ये क्विज, मैं जरा सा स्टॉप शेयर करता हूं। यस, हाउ वाज द क्विज, प्लीज रिस्पॉन्ड। वंडरफुल सर, वंडरफुल। क्वेश्चंस वाज सिंपल है ना, बहुत कोई लंबे क्वेश्चंस नहीं रखे गए थे इसमें, कि कोई न्यूमेरिकल टाइप के। मजा आ गया सर खेल के एकदम सर, इंटरेस्टिंग था सर काफी। सिंपल क्वेश्चंस ही, जैसे आमने सामने बैठ के इंटरव्यू लिया जाता है तो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं है ना, उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो हर चैप्टर के बाद हम एक क्विज जरूर खेला करेंगे ना, डिस्पर गियर के बाद हमने एक खेला है, तो फिर ऐसे ही हम ये लीगल के बाद फिर एक प्ले करेंगे, देन वी विल देन फॉर्म, और लास्ट में फिर एक कंबाइंड क्विज कर लेंगे MD2 का। सर क्वेश्चन भी भेज देना सर। हाँ, मैं ये क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, सब पेपर दे देना सर।
मेल में पहुंच जाएंगे आपके पास, है ना। और इस क्विज से ये मत समझिएगा कि आपके कोई असाइनमेंट का या किसी चीज का लेना देना है। क्विज में अटेम्प्ट मतलब अपीयर जरूर हुई है ना। आज भी 64 पार्टिसिपेंट में से केवल 35 पार्टिसिपेंट ही क्विज में ज्वाइन हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। 65 में से पूरे 65 या मैक्सिमम 60 से ऊपर तो ज्वाइन करना ही चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका इसमें, है ना। चाहे आपका स्कोर कुछ भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्टार्ट किए कुछ में रहेगा, सर ज्वाइन नहीं हो पाया तो सर पता नहीं था सर, एक्चुअली में सर के वो क्विज है ना, इसलिए सर थोड़ा सा प्रिपेयर भी नहीं थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से देखिएगा। बाकी यस सर, यदि आपको जैसे वेट कराना हो, है ना, अभी रुक जाइए सर एक दो मिनट, तो आप बोल देंगे तो हम वेट करेंगे आपका, जब सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट। यस सर, यूबी में भगवा। बहुत अच्छा रहा आज का, है ना, और समय समाप्त होने को है लगभग, है ना। तो अब हम हेलिकल गियर्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, है ना। हेलिकल गियर विल टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू स्पर गियर, मतलब जैसे हमें मान लो 5-6 क्लासेस लगी हैं स्पर गियर में, तो हेलिकल गियर में 2-3 क्लासेस में हमारा हेलिकल गियर कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज सिमिलर, है ना। केवल क्या फर्क रहेगा, द टीथ आर इंक्लाइंड, है ना। इन स्पर गियर द टीथ आर स्ट्रेट, हेलिकल गियर द टीथ आर इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड होने की वजह से फोर्स एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना। तो हमें आपका वी हैव टू स्टडी ओनली द डिफरेंसेस, है ना। स्पर गियर का पूरा प्रोसेस क्लियर है, सेफ डिजाइन कैसे करते हैं, वीकर कैसे फाइंड करते हैं, वही सारी चीजें रहेंगी। केवल टीथ के इंक्लाइंड होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें डिस्कस करना है ना। फॉर्मूलों में क्या क्या स्मॉल चेंजेस होंगे टीथ इंक्लाइंड होने की वजह से। तो आई थिंक इन 2-3 क्लासेस वी विल एबल टू कंप्लीट हेलिकल गियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे, है ना। एक बार मैं जरा चैट देख लूँ, कुछ चैट लिखा हुआ है। क्विज वॉज गुड, वेरी गुड, रोहित खान हैज रिस्पॉन्डेड, क्विज वॉज गुड। सर क्लास एंड में करिएगा सर, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट में। अच्छा ठीक है, तो अब एक दो मिनट हम लोग ऐसे बात करते हैं ना। देखो मैं जरा सा बोर्ड पे, हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे मॉडल है ना, तो टीथ इंक्लाइंड होने की वजह से, है ना, पहले तो टीथ स्ट्रेट था, मान लो ये टीथ था, अब टीथ इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड हो गया किसी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड हो गया, तो दिस एंगल इज नोन एज हेलिक्स एंगल, साइड, इसको हम साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मॉड्यूल होता है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंट की वजह से देयर विल बी टू मॉड्यूल्स, है ना। एक तो होगा ट्रांसवर्स मॉड्यूल एंड वन विल बी नॉर्मल मॉड्यूल। तो जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल है वो तो m है ही है, नॉर्मल मॉड्यूल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय mn, ठीक है। हेलिकल गियर्स में दो मॉड्यूल्स हो जाएंगे, है ना। एक नॉर्मल डायरेक्शन से देखेंगे क्या मॉड्यूल है, नॉर्मल डायरेक्शन से देखने पे जो मॉड्यूल विजिबल होगा दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल, है ना। टीथ के नॉर्मल डायरेक्शन से, टीथ पे 90 डिग्री एंगल से देखेंगे, है ना, तो हमें क्या विजिबिलिटी आ रही है मॉड्यूल के फॉर्म में, दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल। ट्रांसवर्स डायरेक्शन से देखेंगे दैट इज प्लेन मॉड्यूल m। सिमिलरली देयर इज सर्कुलर पिच, है ना, सर्कुलर पिच लेट p इज द सर्कुलर पिच, सो p इज द ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। ये भी दो टाइप की हो जाएगी, वन इज ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच एंड वन इज नॉर्मल सर्कुलर पिच, और व्हाट विल बी द रिलेशन इन बिटवीन देम। तो m और mn के बीच में जो रिलेशन होगी वो इज साई एंगल, है ना। टीथ इंक्लाइंड होने की वजह से mn विल बी इक्वल टू m cos साई, है ना। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि m cos साई क्यों आता है। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल बनेगा सिंपल, उसमें एक एंगल साई होगा, एक साइड mn होगी, एक साइड m होगी, है ना। तो cos साई इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो बेस और हाइपोटेनस, बस उसी फॉर्मूले से ये mn इक्वल टू m cos साई। सिमिलरली यहां पर pn इक्वल टू p cos साई, कुछ इस तरह के फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। एक हल्का सा आइडिया और फॉर टुडेज क्लास लास्ट, दिस इज sp इज गिवन बाय mb सिग्मा b y। कौन सी स्ट्रेंथ होती है बताओ, ये sp मींस बीम स्ट्रेंथ। तो इन केस ऑफ स्पर गियर mb सिग्मा b y, दिस वाज द फार्मूला फॉर द बीम स्ट्रेंथ, m इज द मॉड्यूल, बट इन बिकॉज टीथ आर इंक्लाइंड, सो इन दिस केस द नॉर्मल मॉड्यूल विल बी यूज्ड इन द कैलकुलेशंस, है ना। इन प्लेस ऑफ ट्रांसवर्स मॉड्यूल द नॉर्मल मॉड्यूल विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ हेलिकल गियर्स,
So the formula will be Mn sigma V bar. Mn, Mn, normal module, n is in suffix. Mn B sigma V bar. तो B मिश्रण के फॉर्मूले में एक हल्का सा ये चेंज आएगा, ठीक है? Mn B sigma B Y. इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. इसी तरह से SW के फॉर्मूले में भी चेंज आएगा. तो that we will see in the next class. तो आज के लिए it is sufficient कि because the teeth are inclined, there will be two modules, there will be two pitches, there will be two pressure angles. है ना, हर चीज दो दो हो जाएगी. Pressure angle भी दो होगी. One is alpha, which is the transverse pressure angle, and one is alpha n. Alpha n is again normal pressure angle. ठीक है, तो मैंने आपको तीन टर्म बताए आज. One is normal trans, normal module, Mn, है ना, ये नई टर्म्स है आपके लिए. Mn is the normal module, Pn is the normal circular pitch, and alpha n is the normal pressure angle. ठीक है, तो it is sufficient. कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिए, otherwise I will end. So can I end the class now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Thanks for